हेलो रशर आर्मी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप लोग? तो यार आज मॉर्निंग में ये गेम खेल रहा था मैं, और मेरे साथ थी हानिया। यार हानिया कोई लड़की नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है जिसने फेक आईडी बना रखी है। दो तीन दिन मैं भी बड़ा खुश था कि मेरे साथ कोई खेल रही है। तो बाद में मैंने सोचा यार दाल में कुछ काला है, फिर पता लगा दाल पूरी जल गई है। तो उस जली हुई दाल के साथ मैं खेल रहा हूँ अब। तो पब्लिक पहले की तरह अपना आज का सीन भी ऐसे ही है। रश, नो रैंक की टेंशन, नो केडी की टेंशन। केडी खुद ही बनेगी जितनी बनी, रैंक भी खुद ही बनेगी जितनी बनी। तो गाइस यहाँ से फुट साउंड आ रहे थे, मैंने सोचा चलो रश करते हैं, देखते हैं। अरे भाई यार ये बंदा बहुत हैवी बन रहा था, और इसके पास जो गन थी वो बहुत हैवी थी, मतलब खतरनाक शॉट गन। तो यार यहाँ पे मैंने देखा कि अपनी जीएफ नॉक हो गई है, तो मैं सोचा यार चलो जीएफ को बचाते हैं वरना जीएफ नाराज़ हो जाएगी। मेरे होते हुए मेरी जीएफ को कोई टच भी नहीं कर सकता, हाथ काट दूंगा मैं उसके जो मेरी जीएफ को टच करेगा। रुक रुक मैं इसे रिवाइव कर दूँ, फिर तुझे बताता हूँ। तूने मेरी जीएफ को नॉक किया है ना, मैं तुझे बताता हूँ। एक सेकेंड रुक तू। मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि कब मेरी जीएफ रिवाइव होती है और मैं उसे पहलूँ। और भाई साहब ऊपर से टपके और हमने उनको टपका दिया। Form up on me. और इसे मैंने फिनिश कर दिया क्योंकि इसने मेरी जीएफ को नॉक किया था, मैंने इसे पेल दिया। जीएफ को टच नहीं करने का, सही है। यहाँ पे अपनी जीएफ को गुस्सा आ गया, मतलब अकेले अकेले बंदे पेल रही थी और रश भी कर रही थी, मतलब क्या बात है, फुल मूड में थी। मैंने सोचा चलो अपनी जीएफ की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यार इसकी ऐसी की तैसी, ये तो मतलब फ्री हो गया बंदा। तो पब्लिक मैंने नेट यहाँ पे इसलिए किया ताकि वो पैनिक हो जाए थोड़े से और मुझे टाइम मिले हील करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई किट तो थी नहीं। और हमारी फेवरेट गन जो कि है थॉम्सन, उसमें तो एमओ ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा प्यार से खेलते हैं। थॉम्सन में एमो थी नहीं, और उजी एट अ टाइम दो तीन बंदों को तो पेल नहीं सकती, एक बंदे को ही पेल सकती है। सो ये वजह है कि मैंने उसी टाइम रश नहीं की। यहाँ पे हम आ गए, हमने सोचा कोई गन वगैरह मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ, हमें हमारी डीपी मिल गई। अभी मज़ा आएगा ना भीड़ू। तो गैस गन जो है डीपी हमारी, ये क्लोज फाइट के लिए नहीं है। तो हमारे आदमी थी उजी और डीपी, और पीछे एनिमी हमारे लगे हुए थे, तीन दिन एनिमी हमें ढूंढ रहे थे और हम पे रश करना चाह रहे थे। और ये बंदा तो बिल्कुल ही मासूम था, डीपी थे इसको पेल दिया, और पूरी पलटन आ रही थी ऊपर रश करने, और मुझे ये टेंशन थी कि वो बंदा रिवाइव ना हो जाए। ये ऊपर आए, मैं पीछे से निकला और मैं उस बंदे के पास जाऊंगा अब जिसे मैंने नॉक किया।
गैस के साथ दिया नहीं दिया। अच्छा वो घर में अरेस्ट करने के लिए मैं घर से जंप करके इधर आ गया, वो ऊपर ढूंढ रहे होंगे मुझे। यार ये तो वही शैतान था जो मैंने पहले नॉक किया था। फिर मैं जल्दी से ऊपर गया ताकि वो रिवाइव ना हो जाए, और ये शैतान एक बार पहले भी नॉक हो चुका है और दोबारा भी हुआ है। तो गाइस ये वही बंदा है जिसने अपनी जीएफ को नॉक किया था और अपनी जीएफ को किल किया था, A5 पता नहीं क्या नाम है इसका, इसको भी हमने पेल दिया, अपनी जीएफ का रिवेंज ले लिया, बदला ले लिया। अगर मैं टाइम पे प्रोन ना होता तो मैं पहला गया था भाई। ये यार कोई बोर्ड था, फिर मैंने सोचा चलो यार यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहुँचेंगी तो सारा खाली था। बस ये एक स्क्वाड आई थी और एक दो सिंगल बंदे आए थे, दो तीन नंबर टू ने पेल दिए थे और एक स्क्वाड तो मैंने पेल दी। तो गाइस मैं अपनी डासिया लेके चलता गया लेकिन फिर गटका आया और मैं यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे फायरिंग हुई थी, फिर मैंने सोचा गाड़ी साइड पे लगाते हैं। गाइस ये जो एरिया है ना, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर में देखना यहाँ पे बिल्कुल जंग वाला माहौल होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे फायरिंग की ताकि बंदे आएँ, तो फाइनली हमें हमारी मोहब्बत थॉम्सन मिल गई। तो गाइस यहाँ पे पूरी एक स्क्वाड आ गई, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी फायरिंग से एलाने जंग हो जाएगा। अरे भाई साहब इससे तो बच गए थे। और उस भैया ने हाथ में ग्रेनेड पकड़ा हुआ था और हमने उसे पेल दिया। अरे वाह तीन बंदे नोक और चौथा बंदा क्या कर रहा है, खुद को हील कर रहा है और उसे कोई टेंशन ही नहीं है कि अगलों को रिवाइव देना है या नहीं, उसे भी पेल दिया और इसी तरह हमने पूरी स्क्वाड को पेल दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक स्क्वाड पेली उसके बाद एक बगी है यहाँ पे, अबे तू है कौन, तू मर क्यों नहीं रहा पे। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो इसको, चलते हैं रश करते हैं, इसे भी देखते हैं। और एक स्क्वाड आ जाती है गैस पूरी, दूसरी भी स्क्वाड आ जाती है यहाँ पे। सो गैस ये तीसरी स्क्वाड भी हमने पेल दी। यार गैस एक को तो मैंने उसी टाइम नॉक कर दिया लेकिन वो फिनिश नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों रिकॉल टिक नहीं रही थी, कोई स्कोप वगैरह था नहीं। और ये बगी वाला तो जहाज हो गया गैस, क्या पता मैं उसको गिरा भी देता गाड़ी वाले को, लेकिन पीछे से किसी ने फायरिंग कर दी, मैंने सोचा खुद को तो बचाएं, इनको बाद में पेल देंगे। एंड गैस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता माहौल खराब होने लगा, उन्होंने स्मोक कर दी, इसका मतलब वो फुल रेडी थे यहाँ पे रश करने के लिए। तो मैंने बोला रशर तैयारी पकड़,
ये बंदा अगर कवर में ना जाता ना तो मैं इसे नॉक कर देता। तो गैस यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मैंने रश क्यों की। मैं घर में जाके हील करता फिर रश करता, मगर क्या करूँ, रश की बीमारी है ना रश करने की। बस इसने ना पीछे से डैमेज दे दिया था जब मैं कवर में जा रहा था, मैंने इसे देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे है। तो गैस इससे पहले जो मैंने दो बंदे एक साथ नॉक किए थे वो बहुत ओपी लगे मुझे, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारा जायरो यूज़ किया था, मतलब एम उठाया, उसको मारा विंडो वाले को, फिर नीचे वाले को नॉक किया, तो ये सारा जायरो से किया था। एनवेशर आर्मी मुझे बताना कि आपको ये फाइट कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।